नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज की एक और खास खबर में। नैनीताल की जिलाधिकारी वंदना सिंह के अध्यक्षता में गुरुवार को हल्द्वानी के कैंप कार्यालय में जनसुनवाई आयोजित की गई, जिसमें डीएम ने कैंप में आए सभी लोगों की समस्याएं सुनी और गंभीरता से सभी समस्याओं को अपने संज्ञान में लिया। वह इस बार लोगों की ज्यादातर शिकायत पेयजल, सड़क, विद्युत, पेंशन, अतिक्रमण, आर्थिक सहायता और आयुष्मान कार्ड को लेकर थी। आपको बता दें कि डीएम ने जनसुनवाई के दौरान अधिकतर समस्याओं का शिकायत का मौके पर ही निस्तारण कर दिया और साथ ही अधिकारियों से कॉल में बात कर उनका समाधान निकालने के निर्देश दिए। जनसुनवाई के दौरान जयपुर पाडली ग्राम प्रधान कमला पडलिया ने बताया कि ग्राम पंचायत जयपुर पाडली का अधिकतर हिस्सा जंगल से सटा हुआ है, जिससे जंगली जानवरों का आतंक काफी बढ़ गया है, जिसमें जंगल निकटवर्ती घरों में भय का वातावरण बना रहता है और आए दिन घरेलू पशुओं पर हिंसा जैसी घटनाएं घट चुकी हैं। उन्होंने बताया कि इन परिवारों के भविष्य की चिंता करते हुए इन परिवारों के लिए सार्वजनिक स्थानों पर सोलर लाइट उपलब्ध कराने का अनुरोध किया, जिस पर डीएम ने संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी और उड़ेड़ा अधिकारी को मौके पर स्थलीय निरीक्षण करते हुए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। तो वहीं बलूटी निवासी हरीश चंद शर्मा ने बताया कि ग्राम सभा बलूटी में हर घर नल का कार्य जल संस्थान भीमताल की ओर से किया जा रहा है, जिसमें पेयजल लाइन बिछाने में सब्बल से अनेकों जगह पर मोड़ कर बिछा दी गई है, जिसमें एल्बो और मिनी बैंड का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। साथ ही बलमधुरा में मेन स्कोल पर टैंक बनाने में निम्न गुणवत्ता का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी जांच कराना अति आवश्यक है, जिस पर जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता जल संस्थान को स्थलीय निरीक्षण करते हुए आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। तो अभी की हमारी इस खास खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। नमस्कार।